क्या आप अंकुरित करने वाले हैं? क्या आप अंकुरित करने वाले हैं? क्या आप अंकुरित करने वाले हैं? हाँ, आपने सही सुना। क्या आप एक अंकुरक हैं? ईपो मलेशिया से नमस्ते, हमारे मंच पर आपका स्वागत है, जहां हम ईपो और मलेशिया की सुंदरता का जश्न मनाते हैं। आज हम एक यात्रा पर निकलते हैं, एक विकास, लचीलापन और परिवर्तन की यात्रा। तो एक अंकुरक स्प्राउटर वास्तव में क्या है? ईपो अंकुरित अनाज का जन्म स्थान है। अंकुरित अनाज शब्द का संबंध टोगे या मूंगफली के अंकुरों से है। ईपो में दुनिया के सबसे अच्छे मूंगफली के अंकुर हैं और अंकुरक विकास, लचीलापन और परिवर्तन की अद्भुत यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। ये बीज की शक्ति है, जहां महान विचार और चीजें उभरती हैं, जब इसे पोषित किया जाता है ताकि इसकी क्षमता को उजागर किया जा सके। इसी तरह इस शहर ईपोह से कई व्यक्तियों ने उभर कर अपनी पहचान बनाई है और ईपोह ने अपनी क्षमता को उजागर करने के लिए खुद को पोषित किया है, ताकि यह जीवंत ऊर्जा और प्रेरणा का केंद्र बन सके। क्या आप जानते हैं कि ईपोह को CNN ट्रैवल द्वारा एशिया में सबसे कम आंका गया आकर्षण के रूप में पहले स्थान पर रखा गया था, और ईपोह अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के लिए सबसे कम महंगा शहर है, जबकि न्यूयॉर्क सबसे महंगा है, यह अंतरराष्ट्रीय स्कूल डेटाबेस के अनुसार है। अब यह मंच ईपोह और मलेशिया के बारे में सब कुछ मनाता है, जहां हम अपने दृष्टिकोण को साझा करते हैं कि पूर्ण ईपोह को एक डिजिटल हब में कैसे परिवर्तित किया जाए, जो विविधता, सांस्कृतिक मूल्यों, समुदाय और देश में सकारात्मक विकास को बढ़ावा देता है। एक गर्वित ईपोह वासी के रूप में मेरा इस शहर से एक गहरा संबंध है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व से परे है। ईपोह को विशेष बनाने वाली असली चीज इसके लोग हैं, उनकी विविध संस्कृतियां, परंपराएं और मूल्य। देखिए, जब आप इस विविधता को अपनाते हैं तो यह हमें एक जीवंत और समावेशी समुदाय बनाने की अनुमति देता है, जहां हम प्रत्येक व्यक्ति के अद्वितीय योगदान का सम्मान और सराहना करते हैं, ताकि एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। साक्षरता संस्कृति को बढ़ावा देकर, गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंच को प्रोत्साहित करके और व्यक्तियों को सशक्त बनाकर, हम मिलकर अपने समुदाय और देश को ऊंचा उठा सकते हैं। ईपोह ने वास्तव में कई प्रसिद्ध अभिनेताओं, उद्यमियों और खिलाड़ियों को जन्म दिया है, जिनमें लत, मिशेल येओह, नचातिल सिंह, कविता सिद्धू, एम्बर चिया और लीलम ताई शामिल हैं। मिलकर हम महान चीजें हासिल कर सकते हैं। देखिए, हमारा मंच प्रेरणादायक कहानियों को साझा करने के लिए एक स्थान है, जो शैक्षिक उपलब्धियों, बौद्धिक जिज्ञासा, हमारी सांस्कृतिक विविधता की समृद्धि, एकता, समझ और हमारे समुदाय और देश में सकारात्मक विकास का जश्न मनाता है। तो मेरे दोस्तों, चलो हम अपने भीतर के स्पेल्टर से प्रेरणा लें और अपने सपनों को बढ़ने दें। ईपोह की तरह हम अपने समुदाय, देश और उससे आगे सकारात्मक परिवर्तन के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। एक साथ हम एक ऐसा विश्व बना सकते हैं, जहां हर व्यक्ति की क्षमता को पोषित किया जाए और बाधाएं तोड़ी जाए। हम उन व्यक्तियों, शिक्षकों, उद्यमियों और समुदायों की कहानियों में गहराई से जाना चाहते हैं, जो विविधता, समावेशिता और सांस्कृतिक संरक्षण के मूल्यों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सांस्कृतिक त्योहारों और परंपराओं का जश्न मनाने से लेकर हाशिए पर मौजूद समुदायों की आवाजों को बढ़ाने तक, हम एक अधिक समावेशी और समान समाज बनाने के लिए प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इस जीवंत समुदाय का हिस्सा बने, जहां आप अपनी कहानियां, अपने अनुभव और दृष्टिकोण नीचे टिप्पणी अनुभाग में साझा कर सकते हैं। आइए विचारों का आदान प्रदान करें, एक दूसरे से सीखें और अपनी विविध संस्कृतियों और साझा मूल्यों की सुंदरता का जश्न मनाएं। तो आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना न भूलें, हमारे वीडियो साझा करें और उन रोमांचक कहानियों और डिजिटल रोमांच के लिए जुड़े रहें, जिन पर हम एक साथ निकलने वाले हैं। आइए विविधता को बढ़ावा दें, अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखें और अपने समुदाय और देश में सकारात्मक विकास को बढ़ावा दें। इसीलिए द स्प्राउटर की यात्रा की ओर
इपोह को करोड़पतियों के शहर में बदलते हुए जो छिपे हुए रत्नों, अनदेखे प्रतिभाओं और अदृश्य अवसरों से समृद्ध है। जब हम इपोह की अद्वितीय वृद्धि और परिवर्तन का जश्न मनाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि द स्प्राउटर की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह प्रगति और संभावनाओं की एक निरंतर विकसित होती कहानी है। इपोह में आपका स्वागत है, जो करोड़पतियों का शहर है, जहां सपने सच होते हैं।